नमस्कार दोस्तों, गेट 6247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लेके आ चुका हूँ आपके लिए 20 सितंबर 2018 की राजस्थान की करंट जीके। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि हाल ही में राजस्थान में स्पेशल टूरिज्म जोन बनेगा, ये लगभग कितने करोड़ की लागत से बनेगा वो आपको बताना है। और इसके रिलेटेड जितनी भी पूरी न्यूज़ होगी, पूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरी बताऊँगा कि स्पेशल टूरिज्म जोन क्या है, इस चीज़ में क्या होगा, कहाँ पर बनेगा वगैरह, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। पहला आप ये बताइए कि लगभग कितने करोड़ में ये बनेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है वो होगा तीसरा वाला, यानी कि 1000 करोड़ में ये स्पेशल टूरिज्म जोन राजस्थान में बनेगा। ठीक है, ये राजस्थान के साथ साथ देश में 5 जगह बनने वाला है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम राजस्थान की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये लगभग बनने वाला है 500 एकड़ की जगह के अंदर। ठीक है, केंद्र सरकार ने अनुमति दी है इसकी, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने। और ये लगभग बनेगा कहाँ पर, ये जयपुर और अजमेर के एरियाज़ के अंदर बनने वाला है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, अब देखिए टूरिज़्म की अगर बात करते हैं तो टूरिज़्म में कौन कौन सी चीज़ें आती है, सभी आ जाती है, जैसे कि रेलवे स्टेशन, ठीक है, आपकी बस स्टैंड आ जाती है, आपका एयरपोर्ट आ जाता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों का अच्छे खासे से डेवलपमेंट किया जाएगा इस स्पेशल टूरिज़्म जोन के अंदर। साथ ही साथ स्पेशल टूरिज़्म जोन के अंदर एक हेलीपैड भी बनाया जाएगा। ठीक है, एक हेलीपैड भी बनाया जाएगा हेलीकॉप्टर के लिए। बाकी ये पूरी चीज़ें हैं। ठीक है, देश भर में 5 बनने वाले हैं, 1 बनेगा राजस्थान के अंदर। तो बड़ी बात है, आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए। इसके आगे जो भी न्यूज़ आएगी वो भी मैं आपको आगे बताता रहूँगा। ठीक है, आज का दूसरा क्वेश्चन, यूरोप के पोलैंड में आयोजित महिला मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली अर्शी राजस्थान के किस जिले की रहने वाली है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट से देखिए। अगर आपको नहीं पता है तो भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, शायद आपको इसका आंसर पता हो। तो दोस्तों, यहाँ से जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा दूसरा वाला, है नागौर। ठीक है, नागौर जिले के मेड़ता सिटी की ये रहने वाली है। ठीक है, तो इन्होंने यूरोप के पोलैंड में आयोजित महिला मुक्केबाजी के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, मेड़ता रोड के जो ग्रामवासी, उन्होंने इनका स्वागत किया है, भव्य स्वागत किया है। और अर्शी को, ठीक है, अर्शी खानम को क्या, एक और चीज़ बता देता हूँ इसके बारे में कि राजस्थान की बेस्ट बॉक्सर का भी इनाम इन्हें दिया गया है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो जाती है अगर राजस्थान की बात करें और अगर खेल की बात करें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोलो खिलाड़ी कर्नल रवि राठौड़ को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ये राजस्थान के किस जिले के रहने वाले हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, फिर से आपको जिला बता देना है कि कौन से ज़िले के ये रहने वाले हैं। हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको आपने करंट में इनकी न्यूज़ पढ़ी हो। तो दोस्तों, यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका वो होगा तीसरा वाला, ये नागौर ज़िले के रहने वाले हैं। ठीक है, अब इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि जो रवि राठौड़ है, ठीक है, ये 61 कैवेलरी, ठीक है, मैं आपको नाम लिख देता हूँ, 61 कैवेलरी के कमांडेंट है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार दिया जाएगा अर्जुन अवार्ड, ये कुल 20 खिलाड़ियों को दिया जाएगा, इनमें से एक रवि राठौड़ है। ठीक है, पोलो के एक खिलाड़ी है कर्नल रवि राठौड़, नागौर के रहने वाले हैं। और अर्जुन अवार्ड तो इन्हें अब मिल रहा है, इससे पहले इन्होंने महाराणा प्रताप अवार्ड ले चुके हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप अवार्ड ये हासिल कर चुके हैं इनसे पहले। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अगर खेल की बात करें तो। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किन बैंक के विलय की घोषणा की है। ठीक है, 3 बैंक है जो आपको मैंने नाम लिख रखे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजय बैंक, इन तीनों के विलय की घोषणा कर दी है। यानी तीनों के तीनों बैंक अब एक बैंक की तरह काम करेंगे, तीनों को मिला दिया जाएगा। जैसे कि आपने पहले देखा होगा ना, SBBJ को SBI में कन्वर्ट कर दिया गया था, उसी हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजय बैंक, तो इन तीनों का विलय किया जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ना, वो अब राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। ठीक है, ये पूरी इसकी न्यूज़ हो गई। अभी क्यों कर रहे हैं कि बैंकिंग सुधार के लिए, ठीक है, बैंकिंग के क्षेत्र में सुधार के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में, बेसिकली कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग में सुधारों के लिए, उनकी तेज़ी के लिए ये कदम उठाया है। तो ये हर जगह होगी, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, करंट में ये चीज़ें बहुत अच्छी है। अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हो सकता है आपके किसी करंट आपके एग्जाम में आ जाए कि किन बैंकों के विलय की घोषणा कर दी गई है, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजय बैंक। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन होते हैं यहीं पे समाप्त। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।